हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन ओडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी के एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं हूं अभी सुंदर नगर में और मौसम आप देख ही सकते हैं, बादल हैं और बारिश हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। और अभी प्लान है कि हम जाएंगे मंडी और मंडी से निकलेंगे फाजिल की तरफ। तो चलते हैं गाइस और बाकी की बातें करते हैं राइड पे। धूप हुई है तेज फिर से, ये अच्छे संकेत हैं हमारे लिए। और नहर जो है वो नीचे की तरफ बह रही है, हम जा रहे हैं नहर के अपोजिट में। ये आ रही है पंडो से, पंडो ऊपर है मंडी में। और यहाँ से आप देखो बोर्ड तो रामपुर 194 किलोमीटर लेफ्ट राइट साइड में, सांगला 312, मंडी है 23 किलोमीटर। जो हमारे काम का विषय जो है वो मंडी है। आज पहुँचने वाले हैं मंडी, 2-3 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और मौसम ठीक है, धूप है बाबा। जब निकले थे तब थी बारिश की बूंदें पड़ रही थी और अब है धूप। चलो जी, हम पहुंच गए मजार में मंडी के। तो चाय वगैरह पी ली, थोड़ी सी रेस्ट हो गई। यहाँ मंडी से शहर में ही ना, सिटी के अंदर ही 2-3 मंदिर है, माथा टेकेंगे फिर चलते हैं वापस। धूप तेज होने लगी, पसीना पड़ने लगा, कभी लग रही है ठंड कभी गर्मी। तो भाई मिल गया आखिरकार। भाई ये है भूतनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ जी का। वेदों व पुराणों में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक बाबा भूतनाथ मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 1527 में राजा अजमेर सेन ने करवाया था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयं भू है, जो प्राचीन काल से इस क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। खासकर शिवरात्रि पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। सो ये चलते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट मंडी को, छोटी काशी भी बोलते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और देखो भाई, यहाँ संडे है ना, पूरा खाली है, कोई नहीं देखेगा, बहुत कम भीड़ है इधर। मार्केट भी बंद ही है। अभी जाएंगे हम महामृत्युंजय मंदिर, पंचभक्तर मंदिर रास्ते में आएंगे। और भीमा काली मंदिर भी बोल रहे थे है रास्ते में, हमें तो नहीं पता। चाय पीते टाइम अंकल मिले थे, उन्होंने बोला कि ये मंदिर है तो आप ऐसे करो, यहाँ नज़दीक में जो मंदिर है भूतनाथ मंदिर वहाँ चले जाओ, उसके बाद महामृत्युंजय, फिर पंचभक्त, फिर भीमा काली मंदिर। उन्होंने आइडिया दे दिया हमें। तो आज हमने कर लिए दर्शन बाबा महामृत्युंजय के, जैसे भोलेनाथ जी के रूप हैं। अभी हम जा रहे हैं पंचभक्तर, और पंचभक्तर जो मंदिर है ना, पुल से होके जाना पड़ेगा हमें। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पंचभक्तर मंदिर, और ये नीचे है ब्यास नदी बह रही है, इसके बगल में ही बना है। लग रहा है बरसात के दिनों में पानी आ गया था इधर तक। चलते हैं अंदर मंदिर के। पंचभक्तर मंदिर मंडी का एक प्रमुख मंदिर है, जो सुकेती और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है और अपनी आकर्षक सुंदरता में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मंदिर एक विशाल मंच पर खड़ा है और अच्छी तरह से सुसज्जित है। यह मंदिर को त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पंचभक्तर मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को मंदिर वशिष्ठ शिखर वास्तुकला शैली में बनाया गया है, जो आश्चर्यजनक लगता है। मंदिर को भगवान शिव के 5 मुखी प्रतिमा से नाम मिला है, जिसमें से केवल 3 को सामने से देखा जा सकता है। यह मंदिर ऐसे संरक्षित स्मारकों में से एक है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, और इसको राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। त्रिलोकीनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसके 5 मुख हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों को अघोरा, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्र को दर्शाते हैं। सो लास्ट मंदिर है मंडी के ट्रिप का मेरा, वो है भीमा काली मंदिर, और वहाँ पे माथा टेकेंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे भाई पालनपुर के लिए। टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो चलते हैं भाई भीमा काली मंदिर के लिए। अप्रोक्स डिस्टेंस 2 किलोमीटर बता रहा है, 6 मिनट का रास्ता। यहाँ से है 1.2 किलोमीटर और।
गाइस इधर मिल गया भीमा काली मंदिर। हम थोड़ा सा आगे चला गए थे, गूगल मैप लेके चला गया था, इसलिए मैं बोलता हूँ गूगल मैप पे भरोसा कम ही करो सिटीज में खासकर। ये है मंदिर, भीमा काली मंदिर। बड़ा ही सुंदर मंदिर बना रखा है, दिल खुश हो गया भाई। दर्शन कर लिए माता भीमा काली जी के और अभी जा रहे हैं वापिस। सो गाइस मंडी को बोलते हैं बाय बाय, निकलते हैं घर के लिए वापिस। मंडी के इस ब्लॉग में मैंने आपको दर्शन करवाए भूतनाथ मंदिर के, महामृत्युंजय मंदिर के, पंचबख्तर मंदिर के एंड भीमा काली मंदिर के। और अभी बस निकल चुके हैं हम वापस पालनपुर के लिए। 2 घंटे 38 मिनट का सफ़र बता रहा है, 92 किलोमीटर का है डिस्टेंस टोटल और ETA है 748 का पालनपुर का। पालनपुर के आगे तो घर का ही घंटा और रख लो आप। एंड अभी मैक्सिमम यही रहेगा कि अभी नेक्स्ट स्टॉप पालनपुर में ही हो हमारा, उससे पहले ना रुकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें। वैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो 8-7.30 बजे तक तो दिन रहता ही है ना, हाँ तो 7:30 बजे तक तो दिन होगा ही होगा। रास्ते में बस एक बार रुकना, अभी हमने टायर प्रेशर चेक करवाना है और उसके बाद कहीं नहीं रुकना है हमने पालनपुर से पहले। और इस ब्लॉग को ना मैं अभी एंड नहीं करूँगा, मैं इस ब्लॉग को घर पर ही एंड करूँगा। बस रास्ते में आपसे रूबरू होऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई अच्छी जगह दिखेगी या कुछ लगेगा मुझे कि आपको बताना है तो।
जी पहुंच गए हम घर।